सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप लोग। तो गाइस जैसे भी हो आप लोग कमेंट करके बताना। और इसके अलावा देखो आज ना हमारे गेम के अंदर में एक मोको स्टोर इवेंट आ चुका है जिसके अंदर में दो काफी कमाल कमाल के फिस्ट का स्किन है और काफी सारे बंदे फिस्ट के आने का वेट भी कर रहे थे तो आ गया। और इसके अलावा दो गन का स्किन है, एक तो अपना वेक्टर गन का स्किन और इसके अलावा एक अपना प्लाज्मा गन का स्किन। और इसके अलावा गाइस दो बंडल है जो की फीमेल का है। ये दोनों फीमेल का बंडल भी काफी अच्छा है, बट गाइस मेल का बंडल होता ना तो काफी ज्यादा अच्छा होता। और इसके अलावा गाइस बोनस प्राइस के अंदर भी आप लोग देख सकते हो दो इमोट है, एक तो मेरे पास पहले से ही है और एक भांगड़ा इमोट है। और इसके अलावा दो लूट बॉक्स का स्किन है जो कि काफी कमाल कमाल के हैं। और इसके अलावा गाइस दो बैकपैक का स्किन है, तो ये भी काफी ज्यादा सही है। तो इस छोटे से मोको स्टोर के अंदर में बहुत सारे आइटम्स है जो की आप लोग की जरूरत के मुताबिक, तो जिसको आप लोग चाहे उसको ले सकते हो। तो ग्रीना फ्री फायर ने काफी अच्छा किया है, बट गाइस फीमेल के बंडल की जगह अगर मेल के बंडल रहते ना तो काफी ज्यादा अच्छा होता। और गाइस देखो मेरे पास ना डायमंड है तो मैं इसमें अपना लक ट्राई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर से मैं फिस्ट का स्किन को सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो पहला वाला फिस्ट का स्किन है तो ये काफी ज्यादा मेरे को सही लगा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बोनस प्राइस के अंदर में तो यहाँ पर मैं इमोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास बैकपैक बहुत सारे है, लूट बॉक्स बहुत सारे है, बट इमोट भी है लेकिन ये जो भांगड़ा इमोट है ये नहीं है, तो इसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको लेने के बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला स्पिन करने वाला हूँ 9 डायमंड से, तो ठीक है गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने 9 डायमंड का स्पिन कर दिया है। तो देखते हैं यार मेरे को क्या मिलेगा। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई सब मेरे को मिल चुका है एक गन क्रेट। यार 9 डायमंड के अंदर में ऐसा कौन करता है। हाँ भाई फर्स्ट स्पिन में ऐसा कर देते हैं, छोड़ो कोई ना। और गाइस सेकंड स्पिन करते हैं जो की 19 डायमंड का मेरे को लगेगा, तो यहाँ पर मैंने सेकंड स्पिन भी कर दिया है। देखते हैं यार क्या मिलेगा, क्या मेरे को फिस्ट का स्पिन मिलेगा। और भाई सब देख सकते हो भाई सब मेरे को मिल चुका है एक इनक्यूबेटर वाउचर, लेकिन गाइस मेरे पास ना जरूरत के मुताबिक सब कुछ है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस पर डायमंड स्पिन नहीं करूंगा, बिकॉज ये ना फजूल खर्च है। क्योंकि गाइस मेरे पास फिस्ट का स्किन तो पहले से ही है, बट ये नहीं है तो दूसरा ही फिस्ट का स्किन है। और इसके अलावा इमोट मेरे पास काफी सारा है, तो इसे अगर मैं लूंगा ना तो यूज भी नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं और डायमंड स्पिन नहीं करूंगा। क्योंकि गाइस इसके अंदर में टोटल डायमंड खर्च होने वाले है 872 डायमंड, यानी 874 डायमंड। क्योंकि गाइस आप लोग पहले स्पिन करोगे 9 डायमंड का, फिर 19 डायमंड का, फिर 49 डायमंड का, और इसके अलावा 99 डायमंड का, फिर 199 डायमंड का, फिर इसके बाद 499 डायमंड का, जो कि टोटल डायमंड होता है 874 डायमंड। और ये काफी ज्यादा सही है, लेकिन गाइस ये अगर फेडेड इवेंट के अंदर में आता ना तो आपका टोटल खर्चा होता 1074 डायमंड, ऐसा कुछ खर्च होता। लेकिन गाइस जो भी है 1000 प्लस डायमंड खर्च होता है अपना फेडेड इवेंट के अंदर में, बट ये मोको स्टोर इवेंट है, आप चाहे तो इससे फिस्ट निकाल सकते हो या फिर इमोट निकाल सकते हो। तो ये टोटल 7 दिन तक चलेगा, तो आपके पास टाइम है चाहे तो निकाल सकते हो, लेकिन गाइस आपके पास पहले से फिस्ट का स्किन या फिर इमोट है तो आप लोग मत निकालना। तो बस गाइस यही सब था अपना न्यू मोको स्टोर के बारे में, मैंने आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया। और गाइस मैंने आप लोग को डायमंड स्पिन करके रिवार्ड नहीं निकाल के दिखाया, बट मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग मोको स्टोर इवेंट को कम्प्लीट करोगे या फिर नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।